हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर वेल एट होम. एंड टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्कूल इज अ टेम्पल. यस, हमारा स्कूल भी एक टेम्पल है. जैसे टेम्पल में आप पूजा करते हैं भगवान जी की, है ना, उनको ग्रेटफुल फील कराते हैं कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, थैंक यू. तो सेम स्कूल भी हमारा टेम्पल है. हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो भी हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, हमें इस संसार में जीना सिखाते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं, इतना आपको इतना कैपेबल बनाते हैं कि आप इस वर्ल्ड को फेस कर सको. सो स्कूल भी क्या है? एक टेम्पल है. ठीक है, तो शुरू करें एज यूजुअल फ्रॉम द क्वेश्चंस. डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? आप साफ कपड़े पहनना पसंद करेंगे, गंदे? आंसर क्या होगा? गंदे पसंद करेंगे? नहीं, क्लीन. I like to wear आएगा यहाँ पर, clean clothes. Okay. Do you like sitting in a clean room or a dirty room? कैसे कमरे में बैठना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे? I like to sit in a clean room. If you find there is something rubbish, कुछ कचरा जैसा आपको दिखाई दे, वेस्ट पेपर है, कुछ रैपर्स हैं कैंडीज के, टॉफीज के, lying on the floor, कहाँ पर? जमीन पर पड़े हुए आपके आसपास, तो क्या करोगे? आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इट इन टू डस्टबिन. इस कचरे को उठाकर हम कहाँ डाल देंगे? डस्टबिन में डाल देंगे. अब देखिए, अब क्योंकि टॉपिक हमारा है स्कूल इज अ टेम्पल, तो स्कूल का ही यहाँ सीन है. क्लासरूम है एक, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं. राजू द क्लास मॉनिटर, राजू जो कि क्लास मॉनिटर है, नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. अब राजू ने देखा कि मंजीत के पास कुछ पेपर के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए हैं. तो देखो आगे क्या होता है. राजू ने बोला, मंजीत हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? क्लास में इन पेपर के टुकड़ों को किसने फैलाया है? तो मंजीत ने बोला, आई डोंट नो राजू, राजू मुझे नहीं पता, मे बी सम बॉय हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स. हो सकता है कुछ लड़कों ने इन स्क्रैप्स को, यानी कि इन टुकड़ों को फैलाया हो या थ्रो किया हो. तो राजू ने बोला, नो यू आर टेलिंग अ लाई, नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. जब मैं क्लास से बाहर गया था तो तुम कुछ लिख रहे थे एक पेपर पर. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, और मैं निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं. तो मंजीत ने बोला, आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने इनको यहाँ नहीं फेंका है. आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने तो उनको डस्टबिन में फेंका था. राजू लाउडली, राजू जोर से बोलता है, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू दैम हियर, तुमने ही नहीं यहाँ फेंका है. नाउ क्लीन द फ्लोर, और अब तुम फ्लोर को साफ करो. मंजीत ने कहा, व्हेन आई डिड नॉट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई शुड आई क्लीन देम? जब मैंने इन पेपर्स को यहाँ फेंका ही नहीं है, इन टुकड़ों को यहाँ फेंका ही नहीं है, तो मैं क्यों साफ करूं? बोथ स्टार्टेड क्वालिंग, दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया. जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, और उसी समय क्लास टीचर एंटर होती हैं, अंदर आती हैं. तो बच्चों, आप लोग भी क्लास में अपने, कई बार ऐसा सीन होता है हम लोगों के साथ भी या क्लास में किसी और बच्चे के साथ भी, कि किसी और ने फेंका होता है, ना किसी और का जाता है. कई बार होता है कि बच्चे फेंक तो देते हैं, कचरा फैला तो देते हैं, लेकिन मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मैम, हमने तो किया ही नहीं है. होता है ना? यस. देखो क्या स्माइल आई है फेस पर. अब टीचर ने बोला, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? कि लड़कों तुम लड़ क्यों रहे हो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो देखो मंजीत ने क्या बोला, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है, मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है. He says that I have thrown these pieces of paper here. वो कहता है कि इन पेपर के पीसेस को, टुकड़ों को मैंने यहाँ फेंका है. He is telling me to clean the floor also. और वो मुझे फर्श को साफ करने के लिए भी कह रहा है. It's not my job. ये मेरा काम नहीं है. तो टीचर ने बोला, Boys, at first be quiet and listen to me patiently. Boys, सबसे पहले तो आप शांत हो जाओ, quiet का मतलब शांत, और मुझे धैर्यपूर्वक सुनो, patiently यानी धैर्यपूर्वक. ठीक है, टेल मी इफ योर बॉडी बिकम डर्टी हू क्लीन्स इट, यदि तुम्हारा शरीर गंदा होता है तो कौन साफ करता है? तो सभी बच्चे बोले, वी डू इट अवर सेल्फ सर, सर हम तो खुद ही साफ करते हैं. तो टीचर ने कहा, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? डोंट यू क्लीन योर रूम? तो
तो यदि आपका कमरा गंदा हो जाता है तो क्या सिर्फ मम्मी की ही ड्यूटी है, मम्मी की जिम्मेदारी है कि वो इसको साफ करेगी? क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं कर सकते? तो राजू ने कहा, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। हाँ सर, मैं अपना कमरा खुद साफ करता हूँ। तो टीचर ने कहा, गुड राजू, शाबाश राजू। नेहा बोली, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी अपना रूम खुद साफ करती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम माई वेल, और मैं कुएं में से पानी भी निकलवाती हूँ मदर के साथ। आई हेल्प हर इन किचन ऑल्सो, मैं किचन में भी उनकी हेल्प करती हूँ। तो बिट्टू ने बोला, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप, और हमारी दुकान पर तो मैं पापा की हेल्प भी करता हूँ। टीचर ने कहा, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। वी वर्क एट होम अवर सेल्स एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हम घर पे अपना काम खुद करते हैं, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर अवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर अवर जॉब्स और नॉट, और उस समय हम नहीं सोचते कि हमारा ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज में है, घर में करने वाले जो काम है, हमारा जॉब है कि नहीं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक अवर होम, इसी तरह हमारा स्कूल भी जो है हमारे घर की तरह तो है। वी लिव हेयर टूगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, हम यहाँ साथ रहते हैं और एक अच्छे फ्रेंडली एटमोसफियर में, दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनिनेस ऑल्सो, तो क्या हमें इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसको गंदा बनाएंगे, हु विल क्लीन इट, कौन इसको साफ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट अवरसेल्फ, और मेरा तो सोचना है कि हमें ही ये काम कर लेना चाहिए। तो मंजीत ने कहा, यस सर आई गॉट इट, हाँ सर अब मैंने आपकी बातों को समझ लिया है। वी विल ऑल मेक अवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम सभी मिलकर अपना क्लासरूम एंड स्कूल को साफ रखेंगे। ऑल सबने एक साथ कहा, द स्कूल इज अवर्स, स्कूल हमारा है, लेट अस क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड, वी वॉन्ट लीव अ बिट, तो इसको हम अच्छे से साफ करेंगे मेरे मित्र, और हमें एक भी टुकड़ा कहीं भी नहीं छोड़ना है। तो आई थिंक बच्चों हम सबको भी ये सोच हमारे अंदर भी आनी चाहिए, और देखिए सभी बच्चों ने अपने क्लासरूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो सभी कर रहे हैं, है ना। तो दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, सभी ने अपने टेबल और बेंच को अरेंज किया। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, फिर उन्होंने अपने कमरे के दरवाजों को, क्लासरूम के दरवाजों को, फ्लोर को भी साफ किया। उनको पोंछा, राजू ने कहा, आई विल रिमूव ऑल, मैंने सब कुछ हटा दिया है, द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, किसको हटा दिया है, दीवारों पर जो जाले लगे हुए थे ना मकड़ी के, उनको हटा दिया है। यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल, और स्टूल का यूज करते हुए मैं अपने स्कूल को साफ करूंगा। नेहा ने बोला, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, यूजिंग अ ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम, कि मैं क्या करूंगी, मैं दरवाजों को और फर्श को साफ करूंगी, और झाड़ू का यूज करते हुए मैं अपने कमरे को भी साफ करूंगी। यानी नेहा किसको यूज करेगी, झाड़ू को, राजू किसको यूज करेगा, स्टूल को। और सबने एक साथ कहा, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर एंड आंट्स, यानी कि हम फूलों वाले पौधे लगाएंगे किसके साथ मिलकर, टीचर्स और आंट्स के साथ मिलकर। आंट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्कूल में जो मेड काम करती है ना, उनको हम आंट कहते हैं, आंटी कह के बुलाना चाहिए उनको, भाई जी कह के नहीं बुलाना चाहिए, गंदी बात होती है। सो आज से आप ही भी बिल्कुल लीजिए, सोचिए और अपने मन में प्रण कीजिए कि उन सबको हम आंटी कह के बुलाएंगे। स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल, विद्यालय क्या है, स्कूल हमारा टेम्पल है, और नॉलेज इज एम्पल, ज्ञान हमारा क्या है, हमारा संसार है, हमारा सब कुछ है। सो नॉलेज इज एम्पल, टीचर यू आर ऑल राइट, लेट अस मेक अवर स्कूल ब्राइट, इफ वी आर ब्यूटिफुल भारत विल बी ब्यूटिफुल। तो टीचर ने कहा, तुम सभी सही कह रहे हो, हम सबको अपने स्कूल को ब्राइट करना है, चमकाना है, और यदि हम सब अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे तो भारत भी एक दिन कैसा बन जाएगा, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि जब हम स्कूल में सुबह आते हैं तो हमारी जो आंटीज हैं स्कूल की, वो अपने स्कूल को साफ करके रखती हैं ना, तो जब हम स्कूल से जाते हैं छुट्टी के समय, जब स्कूल ऑफ होता है, उस समय तक भी अपना क्लासरूम ऐसा ही साफ सुथरा रहना चाहिए। ओके, कोई भी आपकी पेपर के बिट्स हैं या पेंसिल शेविंग है, वो आप अलग से बॉक्स में कलेक्ट करो या डस्टबिन में करो उसको। और जब आप लंच करते हैं तो जो भी आपका फॉइल पेपर है या कोई न्यूज़पेपर का पीस है, कुछ भी है, उसको थ्रो नहीं करना है क्लासरूम में फ्लोर पर, उसको डस्टबिन में थ्रो करना है। सो आज से हमको ये वोट लेनी है कि वी विल कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। ओके।